एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। आज भी हम करेंगे जर्नल रीडिंग और जोडिक साइन की रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके पार्टनर की। फोकस बनाए रखिएगा अपने पार्टनर पे। देखते हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर जो हैं कि क्या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। दी फूल की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ओके, और केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये पर्सन। और बॉटम की एनर्जी है दी रेबल, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर रहा हो। ओके, ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और वो पर्सन आपके साथ रिवील करना चाह रहा है अपनी ट्रू फीलिंग्स को, आपके साथ ट्रू इंटेंशंस को। हारमनी का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जो को भी अभी इस रीडिंग को सुन रहा है वो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हारमनी की एनर्जी है, मैरिज की है। यहाँ पे मुझे वाइब्स दिख रही हैं क्योंकि एक न्यू बिगनिंग भी है और बिगनिंग भी मैरिज को लेकर ही दिख रही है। तो इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं आपके लिए, वो मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मैरिज दिख रहा है आप लोगों की, शादी बनाना चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं। इनकी ट्रू इंटेंशंस ये है कि केयर फ्री होके, अगर पहले आप लोगों की ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस था, कोई परेशानी थी, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। तभी तो यहाँ पे हारमनी है, हारमनी को, शादी को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन के पास शायद आपकी पिक्चर्स हैं। ओके, पिक्चर्स हैं, ये आपकी पिक्चर्स को भी देख रहे हैं या ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, सहा गया है रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों को, ज़रूर सहा गया है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है। ओके, स्टॉकिंग एनर्जी भी है, साथ ही साथ यहाँ पर एडवेंचर। देखो मुझे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये भी दिख रही हैं कि या तो ये कोई पास्ट पर्सन है आपकी लाइफ में। ओके, जो जिससे आप कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट रिलेशनशिप चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इट्स डिपेंड ऑन यू, कि ये आपकी चॉइस है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। बट ये इस पर्सन की इंटेंशन ज़रूर है आपके साथ केयर फ्री होकर आगे बढ़ना और आपसे मैरिज करना। पॉजिटिव एनर्जी है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।